गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने ग्रामर पे जो अंदर जो पोर्शन शुरू किया हुआ है हमारा, WH के वर्ड्स 9 वर्ड्स थे वो हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम सभी के सभी कंप्लीट, जो बाकी हमारे बच गए हैं वो 5 के 5 हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, यूज ऑफ विच, वेयर, व्हेन, हाउ एंड Why? ये 5 जो हमारे WH के वर्ड्स बच गए हैं हम इनको करेंगे आज। और इससे पहले हम जो किए हैं, हमने what किया है, who किया है, whom किया है और whose किया है। ठीक है, तो आज हम जो बाकी के बचे हुए हैं हमारा, उनका प्रयोग हम आज करना सीखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, which। क्या है हमारा सबसे पहले, which। which मतलब कौन सा। तो इसको भी हम, जैसे इसको हम फॉर पर्सन और थिंग, व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि उसकी चॉइस के ऊपर जब पाबंदी लगी होती है कि आपको ये करना है या ये करना है, तो उस प्रकार के जो सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, विच का। ठीक है, फॉर पर्सन और थिंग, व्हेन चॉइस जो हमारी होती है रिस्ट्रिक्ट होती है, इसके ऊपर कोई पाबंदी होती है। ठीक है, और यह है टू फाइंड द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इसको हम करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, कि आप सॉन्ग तो बहुत सुनते हैं लेकिन उनमें से आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी आपकी चॉइस की, उसमें से या उसमें से, उन सब में से विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, आपका जो सबसे, यानी कि फेवरेट जो सॉन्ग है वह कौन सा है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विच, कौन सा है, या कोई कौन सा था का प्रयोग कर सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी हमारे यहाँ पे, इसकी हम यहाँ पे वाज का कर देंगे, विच वाज योर फेवरेट सॉन्ग या विच वाज योर फेवरेट फिल्म। क्लियर है। आगे, विच न्यूज पेपर डू यू रीड, आप कौन सा न्यूज़पेपर यानी कि अखबार पढ़ते हैं। जैसा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था कि अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, डू का या डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर उसमें पूछा जाए जो WH के हमारे वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड, कि क्यों करते हो, कैसे करते हो, क्या करते हो, ठीक है, कौन सा करते हो, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। तो उनसे यानी वाक्य के जो स्टार्टिंग में हम WH के वर्ड्स को लगा देते हैं, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। क्लियर है। आई है हमारा वेयर, WHERE, वेयर। तो वेयर का अर्थ आपको पता ही है, वेयर का अर्थ होता है कहां, के चीजें जो उसकी है उनको, प्लेस के लिए। For place we use the word where, स्थान को जानने के लिए। जैसे where do you live, आप कहां पर रहते हैं, स्थान पूछा है हमने कि आप कहां पर रहते हैं या आप कहां पर रहते थे। तो इस प्रकार जब हम प्रश्न पूछते हैं प्लेस के बारे में तो वी यूज द वर्ड where, where do you live, where did he live, Where has Mohan gone? इस प्रकार के जब हम वाक्य स्थान के बारे में जब पूछते हैं, for place we use where. Next जो है हमारा when. When का मतलब होता है कब, और यह है जब हमें टाइम पूछना होता है, समय, समय की जानकारी के रिगार्डिंग अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम सबसे पहले when का प्रयोग करते हैं। तो जैसे When do you read? आप कब पढ़ते हैं? ठीक है, हम जैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, यू रीड, तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। और अगर क्वेश्चन पूछना है कि आप कब पढ़ते हो तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ड जो हमारी डू है उससे पहले when का प्रयोग कर देंगे, when do you read, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। When will she be a doctor? वह डॉक्टर कब बनेगी,
अब फ्यूचर का टेंस है और इसके अंदर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम सेल और विल का प्रयोग करते हैं, तो वह डॉक्टर कब बनेगी, इस प्रकार के जब हम वाक्य करेंगे फ्यूचर का भी, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम डब्ल्यू एच का वर्ड्स लगा देंगे और अंत में क्या लगाते हैं हम क्वेश्चन मार्क। When does your birthday fall? आपका जन्मदिन कब पड़ता है, यानी कब आता है, इस प्रकार के जब हम वाक्य यानी कि टाइम के लिए जब पूछते हैं तो वे when का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद जो हमारा है why, W H Y, क्यों, for reason, कारण के लिए, किसी भी कारण के लिए जब हमें प्रश्न पूछना होता है कि आप क्यों उदास थे, आप क्यों रो रहे थे, ठीक है, आप वहाँ क्यों गए, तो इस प्रकार के जब हम रीजन पूछते हैं कि क्या कारण था कि आपने ये किया, तो हम वहां पर वाई का प्रयोग करते हैं, डब्ल्यू एच वाई, वाई फॉर रीजन। ओके, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वाई वाज ही सैड, वह उदास क्यों था, हमने प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि वह उदास क्यों था, कारण जानना है हमें, तो कारण जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डब्ल्यू एच में से Why शब्द का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा Why do you go there? आप वहां पर क्यों जाते हैं, कारण पूछा है यहां पर भी कि क्यों जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे Why, और उसके बाद helping verb फिर subject, ये interrogative जो sentence का हमारा नियम है। उसके बाद क्या है Why did he sell the cow? उसने गाय जो क्यों बेची, क्या कारण था, पैसे की कमी थी या कुछ और कारण था, तो जब हम उसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं तब हम प्रश्न जो पूछते हैं वह है, क्यों लगाकर पूछते हैं, तो वी यूज ओनली व्हाई। क्लियर है। आगे जो हमारा लास्ट का जो आज का टॉपिक है, यानी कि जो वर्ड बच गया है, वो है हमारा हाउ। हाउ मींस कैसे। जब हमें किसी की हालत के बारे में पूछना है, हेल्थ के बारे में पूछना है, किसी के तरीके के बारे में पूछना है, तब हम हाउ का प्रयोग करते हैं। हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फॉर मेथड, वे और हेल्थ, ठीक है, तीन कारणों से हम इसका प्रयोग करते हैं, मेथड, वे और हेल्थ के रिगार्डिंग। जैसे हाउ आर यू, पूछते ना हम कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप की हालत क्या है, ठीक है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो इसके बारे में जब हम पूछते हैं तो हाउ शब्द का प्रयोग करते हैं। हाउ डू यू ऑपरेट द पर्सनल कंप्यूटर, आप पर्सनल कंप्यूटर को किस प्रकार ऑपरेट करते हैं, व्हाट इज योर मेथड, व्हाट इज योर वे। हाउ हैव दे बिकम रिच, वे रिच कैसे बने, वो अमीर कैसे हो गए, वह जो पहले इनकी हालत मतलब कुछ कंडीशन सही नहीं थी, वो अमीर कैसे बन गए, हमने पूछा है उनका तरीका क्या था, उनका मेथड क्या था, कि क्या वे था जिस कारण वो अमीर बन गए। जब हम कैसे का प्रश्न करते हैं तो वी यूज ओनली द वर्ड हाउ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है शुरू के अंदर, आप उस पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें, कमेंट करें, ठीक है, आपको हम आंसर जरूर देंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर, और भी वीडियो है ग्रामर से रिलेटेड, हिंदी व्याकरण की और इंग्लिश व्याकरण की, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहां पर इसको चेक कीजिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।